देखिए, अभी कल फॉर्म भरे थे, आज जो है आगे की योजना के लिए 19 तारीख तक की योजना के लिए सभी जो चुनाव प्रभारी हमने लगाए हुए हैं 40 सीटों पर, उनको बुलाया था। और जो प्रदेश की भी चुनाव प्रबंधन समिति है उसको बुलाया था। और आगामी सारी योजनाएं जो है वो बनाई गई हैं और उनको आगामी जो टास्क जो है वो सौंपे गए हैं कि किस प्रकार से चुनाव प्रबंधन हमने बेहतर से बेहतर करना है और किस प्रकार से पूरे संगठन को साथ लेते हुए और विजय तक पहुंचना है, उसकी पूरी की पूरी योजना यहाँ पर जो है और चुनाव प्रबंधन की बारीकियों पर बातचीत हुई है। सर, इसी के साथ अभी राज्यसभा चुनाव के लिए सर कार्तिक शर्मा को सर भारतीय जनता पार्टी के जो अपने 9 वोट हैं वो हम कार्तिक के को देंगे और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जिससे कांग्रेस को रोका जा सके। सर, अभी चर्चा में कुलदीप बिश्नोई और हुड्डा आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, हुड्डा साहब ने कहा है कि अगर कुलदीप बिश्नोई का अंतर आत्मा पार्टी के साथ नहीं है तो उन्हें पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने अंतरात्मा पर वोट डालने के लिए अपील की है, ये मैंने समाचार पत्रों में पढ़ी है। और सबको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही वोट डालनी चाहिए, तो उस नाते से उन्होंने कही है कि भाई इस तरह की बात उन्होंने कही है निश्चित रूप से। तो और ये बात ऐसी है कि जिसके बारे में टिप्पणीकार और कोई विषय तो मैं नहीं कहूँगा, हुड्डा साहब की अपनी टिप्पणी एक अलग विषय है, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट हैं कृष्ण पवार जी, वो तो आराम से विजयी होके आ रहे हैं और 9 वोटें हमारे पास जो है उसके अतिरिक्त हैं, वो हम कार्तिक को देंगे, कार्तिक को शर्मा को। और उसके अलावा JJP ने भी उनका समर्थन किया है, मुझे जानकारी कुछ मिली है कि हमारे कई सारे निर्दलीय साथी भी जो है वो उसको सबके सब समर्थन कर रहे हैं। उस नाते से आज मैंने गोपाल कांडा जी का भी समाचार पढ़ा है, मेरी बात तो नहीं हुई कि वो भी BJP के साथ जो है वो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है कार्तिक को एक अच्छा समर्थन जो है मिल रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।